अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जिला बुराड़ सिंह पंडित दीनदयाल में जो है कि 28 अगस्त 2018 यहाँ पे विकलांगों ने जो है कि अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया था। उनका कहना है कि हमने कई बार प्रशासन को लिखित कर दिया कि हम लोगों को जो विकलांग पेंशन की जगह दिव्यांग कर रखा गया है, क्या ये नाम ही चलेगा? और पूरे 5 साल बीत गए लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई एक पेंशन भी नहीं मिला है। हमारी मांगे यही है कि मोदी जी ने कहे थे कि अच्छा दिन आने वाला है बनारस को, हम लोग को नाम विकलांग से दिव्यांग रख दिए, इसके अलावे कुछ और विकलांगों के लिए नहीं कर पाए। उन्हें कहे कि विकलांग को है जो पेंशन हम 2000 रुपया का महीना कर देंगे जीतने के बाद, लेकिन आज तक के नहीं किया गया। हम लोग लाल राशन कार्ड के लिए मांग किए, वो भी नहीं दिए। हम लोग को पेंशन भी नहीं दिए, जो भी हुई 500 रुपया का महीना मिलता है। पेंशन ना मिलने से तो हमें काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि विकलांग वहीं का वहीं रह गया है। विकलांग का कोई आगे बढ़ने का कोई जरिया ही नहीं मिल पा रहा है, कोई विकलांग आगे बढ़े कुछ अलग से करे। गवर्नमेंट तो बहुत सी पॉलिसी लाती है लेकिन विकलांगों तक पहुंच नहीं पाता है। इसके चलते हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। पहले मिल रहा था? नहीं, पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। पहले अभी तो मोदी जी ने हमें विकलांग से हट के हमें दिव्यांग नाम दिया है, तो उसके अलावा तो उनको कुछ करना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, उसके कार्य को भी तो बदलना पड़ेगा। आपको पेंशन नहीं मिले, क्या कारण है? यहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता, पेंशन नहीं भल नहीं। हम लोग को विकलांग पेंशन नहीं मिलता है, तो कितने दिन से नहीं मिल रहा है पेंशन? ये हम लोगों को अभी बन वही नहीं हुई है, अभी कभी नहीं शुरू नहीं हुआ है। तो सरकार से मांगे हैं? सरकार से आवास को फार्म भरा, आवास और भी नहीं मिला, सबको मिल रहा है लेकिन हम लोगों को विकलांग आदमी। तो आज यहाँ पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, तो कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? ये अभी कोई नहीं। ये भाई सब लोग, सब लोग हम भी विकलांग हैं, मेरी भी इच्छा है कि हम भी थोड़ा, हम लोग की मांगे क्यों नहीं पूरी होती है? क्या आप पढ़ती हैं? तो मतलब पेंशन ना मिलने से पढ़ाई पे कुछ नुकसान या वैसे कुछ रहता तो फिर? पढ़ाई में तो बहुत सारे नुकसान है, हम लोग गरीब परिवार से हैं, कहीं से भी अपना कोशिश करके पढ़ाई पूरा करें, पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेने आया अधिकारी विषय? नहीं, कोई नहीं। धरना प्रदर्शन भी आप अगर मांगे नहीं पूरी की तो फिर क्या करेंगे आप लोगों ने? फिर आगे और लड़ाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे भी पता करेंगे, नहीं तो हम में से कोई दिव्यांग आत्मदाह करेगा। जो भी फार्म हमारे यहाँ ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होता है, इसके लिए एक वेबसाइट है और इंटीग्रेटेड पोर्टल है, जिस पर विधवा पेंशन का भी, वृद्धा पेंशन का भी और दिव्यांग पेंशन का भी आवेदन होता है। आवेदन प्राप्त होते ही उसके सत्यापन की कार्रवाई ब्लॉक और तहसील के माध्यम से कराई जाती है। शहरी क्षेत्र का तहसील के माध्यम से कराया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र का खंड विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है। वो प्राप्त होते ही हम उसे फ्रीज करते हैं और फ्रीज करने की कार्रवाई के उपरांत जिलाधिकारी के स्तर से एक समिति गठित कर उसके स्वीकृति होती है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बैंक के साइट भी हमारे साइट से जुड़ी हुई है। ये सारा डाटा जो हमारे द्वारा फ्रीज किया जाता है, यह डाटा उस PFMS पर जाता है वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कि उनका खाता सही है कि नहीं, उनका खाता किस प्रकार का है। और उस खाते में जब वेरिफिकेशन उसका रिस्पांस जब क्लियर हो जाता है, तब उसके पश्चात हमारे मुख्यालय के द्वारा वो जनपद स्तर पर इससे संबंधित कोई धनराशि आवंटित नहीं होती है। सर कुछ विकलांग पेंशन ऐसा है जो कि शिवपुर में है, लगभग 10-15 लोग हैं और पांडेपुर में। उनका कहना है कि हमने कई बार अप्लाई तो किया लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई सुविधा नहीं आ रही है, तो इसका क्या? उनका आपसे बात हुई है? हमारे पास उनका रिकॉर्ड है, अगर वो रिकॉर्ड हमें उपलब्ध हो जाए, कभी बहुत ऐसे मामले आते हैं 3% से बनाकर 4% के स्तर तक की प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं जो भी लाभार्थी पर योजनाएँ हैं उनमें उनको लाभ दिया जाता है।